हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विथ गिरी सिस्टर्स। ओके, देन चैप्टर 11 हमारा रह रहा था डब्ल्यू बी क्लास 9th मैथ्स का, जो कि है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, और ये जो चैप्टर था ये हमारा बच गया था। ठीक है, तो आज हम इसे करेंगे और साथ में इसका जितना भी इंट्रोडक्शन है, जितने भी टर्म्स है, उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना टर्म्स और बिना डेफिनेशंस के आप इस चैप्टर को क्लेरिफाई नहीं कर सकते हो। जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो पूरा चैप्टर बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये ज़्यादा जो चैप्टर है वो बस सुनने का है, आपको बस सुनना है, देखना है। और ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो की हेल्प से ही हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखिए, इसको एकदम कंटिन्यूसली फॉर्म में देखिए। हो सकता है अगर आप चाहें तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 स्टैटिस्टिक्स। और साथ में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, ये पूरा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि जो हिंदी टर्म्स है ना वो काफ़ी डिफिकल्ट है और बिल्कुल ही अलग है इससे। अगर थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है तो हम इसमें मिक्स करके बता देते हैं, बट यहाँ पे एक एक शब्द जो टर्म्स है वो बहुत ही अलग से है। तो मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अलग से इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगी, और ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 11 स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टैटिस्टिक्स है क्या। ये एक ऐसा स्टडी है, स्टडी यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। मतलब कि डेटाज जो हम कलेक्ट करते हैं उसको हम पहले कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एक तरीके से उसको लिखते हैं, फिर उसके बारे में एनालिसिस करते हैं और कोई एक रिजल्ट पे पहुँचते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन को ले लो। तो पॉपुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग जो भी हमारा स्टेट्स है उस सारे स्टेट से क्या करते हैं, डेटाज को कलेक्ट करते हैं, कितना पॉपुलेशन है स्टेट में, उसके बाद उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कितने उस पर मेन है, कितने फीमेल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वहाँ पे उसकी हेल्प से, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से उस डेटा को अच्छी तरीके से हम उसके रिजल्ट तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा क्या होता है, क्योंकि ये जो डेटा शब्द है ये इस यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो डेटा क्या है, डेटा एक इन्फॉर्मेशन है, एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ये नंबर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, एक क्वांटिटीज भी कहा जा सकता है। तो ये ज़्यादातर नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, अब डेटा कई तरह के होते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो डेटा यहाँ पे मैं दो तरह के दिखाऊंगी, एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, ये कहीं इसका डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आता, ये बस आपको समझने के लिए है। तो प्राइमरी डेटा किसको बोलते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं तो डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स से डायरेक्ट हम कलेक्ट करते हैं ना, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, कहीं भी अगर हम किसी गांव में गए और वहां पे देखें कि हाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लिटरेट वहां पे पीपल है, तो वो जहां से हम रेंडमली वहां से हम कलेक्ट करके लाते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और उससे हमने क्या किया कि हमने वहां के जिलाधीश को या फिर जो उस स्टेट की गवर्नमेंट है उसको हमने हैंड ओवर कर दिया, तो उसके पास जो चला गया, तो उसे हम उस डेटा को, जैसे इससे हमने इसको दे दिया, तो उस डेटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा ये डायरेक्ट सोर्स से कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, ये किसी अलग सोर्स से, प्राइमरी डेटा जहाँ से कलेक्ट करके रखा गया है उससे लिया जाता है, तो उसे कहते हैं हम सेकेंडरी डेटा। और ये जो डेटा है वो डायरेक्टली सोर्स से हम कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, उसके बाद आता है एक और टर्म, रॉ डेटा किसे कहते हैं, रॉ डेटा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड द फिगर्स कलेक्टेड फ्रॉम द डिफिनिट पर्पस फॉर द डिफिनिट पर्पस इन एनी मैनर इज टर्म्ड एज रॉ डेटा। मतलब कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स या फिगर्स को हम कलेक्ट करते हैं किसी डिफिनिट पर्पस के लिए, और उसको हम अपने तरीके से लिख देते हैं, रेंडमली कहीं पर भी लिख देते हैं। जैसे कि मैं क्लास 9 में एक क्लास टेस्ट हुआ, 20 मार्क्स का क्लास टेस्ट हुआ। ठीक है, 20 मार्क्स के टेस्ट में किसी बच्चों को मिल गया 10, किसी को 15, किसी को 19, फिर किसी को 10 मिल गया, फिर किसी को 5 मिल गया उसमें। तो ये 1 से लेकर 20 तक ये नंबर कोई रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, किसी को 20 भी मिला है, फिर किसी को 10 मिल गया, किसी को 14 मिल गया, किसी को 17 मिल गया। तो इस तरीके से हम डेटाज को लिखते जाते हैं। ठीक है, एक रॉ डेटा इसको कहते हैं जो कि अच्छी तरीके से सजा हुआ नहीं है। ठीक है, तो उसको हमने रैंडमली लिख लिया है, इसी डेटा को हम कहते हैं रॉ डेटा। ठीक है, अब आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो फ्रीक्वेंट आता है, जो बार बार रिपीटेड होता है ना, उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। आप देख सकते हो कि इस डेटा में जो ये कलेक्शन ऑफ मार्क्स है ऑफ क्लास 9 का जो कलेक्शन ऑफ मार्क्स है,
वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब आप देखो कि इसमें कोई कोई ऐसा मार्क्स है जो कि रिपीट हुआ है। अब हम देखते हैं कि मार्क्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फाइव से स्टार्ट हो रहा है, फाइव, फाइव से बड़ा कौन सा है, फाइव के बाद है टेन, उसके बाद फोर्टीन, फिफ्टीन है, ठीक है, सेवनटीन है, नाइनटीन है और ट्वेंटी है। इस तरीके से ये हमारा पूरा क्या है, ये एक पूरा डेटाज है जो इस पूरे डेटा में यही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यही वो नंबर्स है, ये एक फाइनाइट नंबर है, ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लार्ज है, ठीक है। तो ये ऐसा है जिसको हम इजिली लिख सकते हैं। अब इसका हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो इसका फ्रीक्वेंसी, फाइव का फ्रीक्वेंसी कितना है, फाइव कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पे इस पूरे डेटा में, फाइव सिर्फ ओनली एक ही बार आया है, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी वन हो गई। अब टेन की फ्रीक्वेंसी यहाँ देखते हैं, वन टू थ्री फोर, तो टेन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फोर है, मतलब कि जो टेन है वो फोर टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिफ्टीन, फिफ्टीन की फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ओनली टू टाइम्स है, तो यहाँ पे फिफ्टीन का टू, और फोर्टीन तो ओनली वन टाइम्स है तो वन, ठीक है। सेवनटीन भी वन टाइम ही है तो सेवनटीन की फ्रीक्वेंसी वन हो गई। उस तरीके से नाइनटीन, नाइनटीन की फ्रीक्वेंसी भी वन ही है, ठीक है। ट्वेंटी की फ्रीक्वेंसी टू है तो टू लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सीख लिया कि फ्रीक्वेंसी हमें कैसे फाइंड करना है, वो नंबर जो फ्रीक्वेंट आते हैं, बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ इस तरीके के टर्म्स हैं जिसको सीखना जरूरी है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है, अनग्रुप्ड का मतलब आपको पता है, जो कि ग्रुप, जिसका ग्रुप ना हो उसको हम अनग्रुप्ड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको पता है। तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा कैसा होता है, इसमें क्या होता है ना कि अगर, जैसे कि मैंने बोला था कि क्लास नाइन्थ का मार्क्स है अप टू 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, ठीक है। 20 मार्क्स के टेस्ट में किसको कितना मिला है, मान लो यहाँ पे किसी को 5 मिल गया, 10, 20, 20, 14, 15, 17, 19, इस तरीके से मार्क्स मिला है। फिर यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं हम 15, किसी को 15 फिर से मिल गया, 17, 15 फिर से। तो इस तरीके से जो ये मार्क्स है, ये क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, ये बहुत छोटा है, इसे हम इजिली सजा सकते हैं, इजिली इसका एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं, अनग्रुप फॉर्म में ही फॉर्म कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे जो मार्क्स है, यहाँ पे लिख सकते हैं मार्क्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम टेली मार्क भी कर सकते हैं, इसका टेली मार्क। तो इस तरीके का एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया, जिसमें मार्क्स क्या क्या है हमें देखना है, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे हमें नहीं लिखना है, हमें देखना है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और किसके बीच में हमें मार्क्स को लिखना जरूरी है। सबसे यहाँ पे मिनिमम फाइव है, उसके बाद देखते हैं क्या है, टेन है, उसके बाद फोर्टीन है, ठीक है, उसके बाद फिफ्टीन है, सेवनटीन है, और सेवनटीन के बाद नाइनटीन एंड देन ट्वेंटी। तो ये क्या है, बहुत ही छोटा है, हमने इजिली यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसका टेली मार्क भी कर सकते हैं हम, और साथ में हमें इसका फ्रीक्वेंसी देखना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अब देखते हैं कि फाइव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फाइव की फ्रीक्वेंसी ओनली वन, तो यहाँ पे लिखेंगे वन। टेन की फ्रीक्वेंसी, तो टेन की फ्रीक्वेंसी वन, ओनली वन, टेन की फ्रीक्वेंसी वन है तो वन, ठीक है। ट्वेंटी की फ्रीक्वेंसी, सॉरी फोर्टीन की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, तो फोर्टीन यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है, वन, बस वन टाइम, तो इसका भी वन हो गया। फिफ्टीन, फिफ्टीन टू टाइम्स है तो इसको लिखेंगे टू, ठीक है। सेवनटीन कितना है, सेवनटीन वन टू थ्री, थ्री टाइम्स है तो लिखेंगे थ्री, इसकी फ्रीक्वेंसी थ्री हो गई। नाइनटीन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वन है, ठीक है, और 20 की फ्रीक्वेंसी वन टू टू है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब इसका टेली मार्क करना है, अगर यहाँ पे वन है तो इसका टेली मार्क ऐसे वन आ जाएगा, वन है तो वन, वन टू का इस तरीके से लिखते हैं, थ्री को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वन को वन ऐसे, टू को, अगर बाय द वे अगर आ गया फाइव लिखना, फाइव, फाइव का टेली मार्क कैसे लिखेंगे, तो अगर फाइव का लिखना आ गया तो इस तरीके से लिखेंगे वन टू थ्री फोर और इसके बाद ऐसे फाइव, ठीक है। तो इस तरीके से टेली मार्क लिखा जाता है। अगर मान लो सिक्स लिखना है हमें, ये फाइव हो गया, अगर हमें सिक्स लिखना है तो सिक्स का टेली मार्क वन टू थ्री फोर और उसके बाद फाइव और यहाँ पे एक्स्ट्रा वन, सिक्स। तो इस तरीके से मैंने आपको सिखा दिया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्म करते हैं। क्यों ऐसे फॉर्म करना आसान है, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना ये फाइनाइट है, कम है, इसको हम इजिली इस तरीके से छोटे से टेबल में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बताती हूँ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हेन द डेटा इज लार्ज, जब डेटा लार्ज अमाउंट में होता है, बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन है हमारे पास, तो उसे हम एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सबको लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मान लो हमारे पास इस तरीके से है, अगर कहीं हम जाते हैं और किसी एक समझ लो कि एक हम
गार्डन में जाते हैं वहां पे हम देखते हैं कि रोजेस कितने हैं या फिर फ्लावर्स कितने हैं, एक पॉट में कितने फ्लावर आ रहे हैं, दूसरे में कितने आ रहे हैं, तीसरे में, ये कोई भी आप इस तरीके का डेटा ले लो रैंडमली कोई भी, तो अगर मान लो उसका जो रीडिंग आया वो 2 आया, फिर कभी फिर 1, फिर 2 आया, फिर 2 आया, ठीक है ना, फिर 3, 4 इन्फॉर्मेशन है, ये सारी कलेक्शन है, नंबर ऑफ थिंग्स है जो भी है, ठीक है, फिर 5 हमने एक रॉ डेटा यहाँ पे हमने लिखना है, अभी एकदम रॉ डेटा जो हमें मिला वो हमने लिखते जाना है, ठीक है, इस तरीके से 8, 9, 10, 11 फिर से 11 मिला, फिर 12 मिला, फिर 12 मिला, 13, 15 ठीक है, 16, 16, 18 ठीक है, 20, 20 इस तरीके से हमें एक लार्ज अमाउंट में, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे चलो मैं 14 भी ऐड कर देती हूँ, तो इस तरीके से हमें मिला। तो इस तरीके के जो डेटाज है उसको कैसे हम एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में चेंज करें, तो उसमें हमें एक क्लास की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है क्लास, फिर इसका टैली मार्क आप कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो इसका इंटरवल ले लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वहां से 1 से लेकर 5 तक एक अलग ग्रुप है यहाँ पे, तो इतना सारा लिखने की जगह पे हम लिख सकते हैं ना 1 to 5, ठीक है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की बात कर रहे हैं। फिर 6 से लेकर अगर हम 10 तक की बात करें तो इस तरीके से इसका एक ग्रुप बना लो 6 to 10, ठीक है। अब 6, 1 to 5 में कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी, अब देख सकते हैं 1 to 5 में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 6 हो गई, ठीक है, 1 to 5 में जितने नंबर्स आएंगे वो सारे हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी में। फिर 6 to 10 में कितने आ रहे हैं, 6 to 10 ये हो गया, कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें भी 6 फ्रीक्वेंसी आ रही है। फिर यहाँ पे 11 to कितना ले ले, 5, 5 का इंटरवल ले रहे हैं हम, ठीक है, 1 to 5, फिर 6 to 10, 5 का इंटरवल ले रहे हैं, 5, 5 का अंतर ले रहे हैं हम, तो 11 to 15 कर सकते हैं हम इस तरीके से। 11 to 15 कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्रीक्वेंसी 7, टेली मार्क अप कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस तरीके से हम टेली मार्क भी कर सकते हैं। 15 to 20 तक भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं, तो सॉरी यहाँ 15 ले लेंगे, 16 ले रहे हैं, 16 to 20 कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 हो गई और इसे टेली मार्क कर देते हैं ऐसे। तो ये जो टेबल बन गया इसे हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हमने इजिली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और इस ग्रुपिंग्स, अब ये जो आपके दिमाग में ये क्लिक कर रहा हो, ये क्लास कहाँ से आया, तो क्लास क्या है, ग्रुपिंग्स आर कॉल्ड क्लास, जो ये ग्रुपिंग हम कर रहे हैं ना, एक ग्रुप बना रहे हैं, इसे ही हम क्लास कहते हैं, ठीक है। अब इस क्लास में हमें ये देखना है कि इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक लोअर एक अपर, तो इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इस वाले को कहेंगे लोअर लिमिट और इसे कहेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। तो क्लास के दो पार्ट हो जाते हैं, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, यहाँ पे जैसे 6 लोअर हो गया और 10 अपर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो मेथड है वो कितने तरीके का होता है। तो इस तरीके का जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटाज होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फॉर्म, तो उसे हम यहाँ पे आगे देखते हैं। ओके, तो पहला क्या हो गया, पहला है पार्ट इसका, इसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा का पहला जो पार्ट है वो है इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा, या तो आप इसको इंक्लूसिव कह सकते हैं या फिर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा कहेंगे। तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता क्या है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता क्या है कि जो कंटिन्यूटी होगी ना वो इस तरीके से होगी, आप यहाँ देख सकते हो 1 से 5 गया है क्लास, क्लास जो है 1 से 5 गया है, फिर 5 को हमने छोड़ दिया 6, 6 से 10 लिया है, फिर 10 को हमने छोड़ दिया, 11 से हमने 15 लिया, 15 को छोड़ दिया, फिर 16 से 20 लिया। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो क्लासेस ले रहे हैं वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है, वो कंटिन्यूअसली नहीं आ रहा है, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 1 to 5 स्टॉप, फिर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हमने यहाँ 11 से स्टार्ट करा। तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटास को क्या कहते हैं, इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। दूसरा है एक्सक्लूसिव मेथड और कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डेटा। एक्सक्लूसिव मेथड, इसमें जो डेटास होते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं, मैं बता दूं यहाँ पे चेंज करके, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा क्लासेस ये है, इसमें एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, 1 to 5, फिर हमने 5 से स्टार्ट किया, 5 to 10,
फिर हमने 10 से स्टार्ट किया, 10 टू 15 एंड 15 टू 20, मतलब हमने यहाँ पे सबको इंक्लूड कर लिया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने 5 को भी इंक्लूड कर लिया, 1 को छोड़ के 5 को इंक्लूड कर लिया, 5 से 10 में जा रहे हैं, फिर 10 से 15, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही, सारी कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके की जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म ऑफ डेटाज है उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड और कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ ग्रुप टू फ्रिक्वेंसी डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जब हम इसे काउंट करेंगे ना, जब हम इसे बनाएंगे वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा, जब इसे हम काउंट करेंगे तो 1 to 5 जो आया है उसमें 5 को हम नहीं लेंगे, लोअर लिमिट को यहाँ पे, सॉरी अपर लिमिट को नहीं लेंगे, सिर्फ लोअर से। अगर इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो यहाँ इस 5 को नहीं हमें काउंट करना है। जब हम आगे बनाएंगे तो पता चलेगा हमें इस वाले 5 को काउंट करना है। इसका मतलब हमें सिर्फ लोअर लिमिट्स को ही काउंट करना है, लोअर लिमिट्स को, ठीक है, अपर्स को नहीं काउंट करना है। तो 5 to 10 में 5 इंक्लूड होगा, बट 1 to 5 में 5 इंक्लूड नहीं होगा। ये जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे, समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए, और आगे के लिए आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो ये चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये कहीं ना कहीं आपसे छूटे ना। ठीक है, तो चलो इसी के साथ अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड keep watching Study with Giri Sisters. Bye-bye.